प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में कौन कौन सी घटना घटित हुई। हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, अतः वर्तमान के एग्जामों में राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। उसके पास सब कुछ पहले मैं आपसे बेसिक तथ्य बात करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का पहला नागरिक होता है तथा इसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की तुलना ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष से की जा रही है, क्योंकि एक डिफरेंस बहुत बड़ा निकल के आता है कि भारत में तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। सीधा सा तात्पर्य है इसका कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होता है, जबकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आनुवांशिक होता है, अर्थात वो निर्वाचित नहीं होता है। चलिए बात करते हैं किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या क्या घटना घटित हुई। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस राष्ट्रपति के बाद कौन सा राष्ट्रपति आया। एक छोटी सी ट्रिक है, बेहद आसान है और तुरंत आपको याद हो जाएगी और आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले ट्रिक, राजेंद्र राजा वीप के संजीव ज्ञानी वेश में नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं। वापस बोलिएगा, राजेंद्र राजा वीप के संजीव ज्ञानी वेश में नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं। अतः अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राशे बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। उसके पश्चात आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके पश्चात नाम आता है वीवी गिरी, फिर आता है फैसे बनेगा फखरुद्दीन अली अहमद, उसके पश्चात नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी, इसके पश्चात ज्ञानी से बनेगा ज्ञानी जल सिंह, वे से बनेगा वेंकट रमन, से बनेगा शंकर दयाल शर्मा, नारायण से बनेगा के आर नारायण, कैसे बनेगा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, पा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर पैसे बनेगा प्रणब मुखर्जी और कैसे कोविंद, मतलब वर्तमान में रामनाथ कोविंद। देखिए, बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में या विभिन्न राष्ट्रपतियों के बारे में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय तक कार्य किया था। इनका जन्म बिहार में हुआ। सर्वाधिक समय तक राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उसके पश्चात आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है तथा इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जन्म दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उसके पश्चात नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि दो राष्ट्रपतियों के सामने बिंदी सब पॉइंट का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि इन दोनों राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। बात कर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया है। तीन पद, ये पहले राज्यपाल रहे, फिर उपराष्ट्रपति रहे और फिर रहेंगे राष्ट्रपति। तीनों पदों पर कार्य करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके पश्चात आता है वीवी गिरी, अर्थात वीवी कितनी बार आया, 2 बार। कहने का मतलब यह है कि इसके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीय चक्र की मतगणना राष्ट्रपति के चुनाव में क्या महत्व रखती है और कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। चलिए वापस वीवी गिरी के चुनाव में ध्यान रखना, द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उसके पश्चात बनता है फखरुद्दीन अली अहमद, मीन सीधा सा है भारत का दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का दूसरा राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। दूसरा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है
अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करता है। बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है अध्यादेश, लेकिन यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अध्यादेश जो सबसे ज्यादा भारत में जारी किए गए वो इसी राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अध्यादेश फखरुद्दीन अली अहमद। उसके पश्चात नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। फर्स्ट पॉइंट, तो नीलम संजीव रेड्डी था पहले, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुका था। दूसरा पॉइंट आपको जो बता देना चाहता हूं कि नीलम संजीव रेड्डी ने पहली बार चुनाव लड़ा था वीवी गिरी के सामने, परंतु लक जो भी रहा यह कैंडिडेट पहली बार चुनाव में हार गया। लेकिन दोबारा से जब इसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा उस दौरान यह कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है आपके समक्ष बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था उसका सीधा सा आंसर होता है नीलम संजीव रेड्डी। उसके पश्चात बच्चों बात आती है ज्ञानी जैल सिंह। नाम से लग रहा है कि भारत का पहला और अभी तक का एकमात्र सिख राष्ट्रपति, अर्थात भारत एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ज्ञानी जैल सिंह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फोकस करें कि इस भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1986 में डाकघर विधेयक के ऊपर वीटो का प्रयोग हुआ था और उस वीटो का नाम आता है जेबी वीटो। बताऊंगा क्या होता है आगे नेक्स्ट कक्षाओं में कि जेबी वीटो क्या है। तो क्वेश्चंस ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस पेपर में इस प्रकार आता है कि भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया, आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह 1986 और विधेयक का नाम था डाकघर विधेयक। ज्ञानी जैल सिंह के पश्चात नाम आता है वेंकट रमन। वेंकट रमन के कार्यकाल में मतदाता की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, सीधा सा आंसर मिलेगा वेंकट रमन। उसके पश्चात नाम आता है शंकर दयाल शर्मा। बड़े बाबा, थोड़ी सी भक्ति करो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भोले बाबा के काल में या राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल में इस कैंडिडेट ने सर्वाधिक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए देखा है, चार कैंडिडेटों को। मीन सीधा सा है कि कैंडिडेट का इसका कार्यकाल 5 साल का ही होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, और चार कैंडिडेटों को प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए देखा, मतलब तत्कालीन भारतीय राजनीतिक बेहद अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी, सरकारें बन रही थी बिगड़ रही थी। तो चार कैंडिडेटों को प्रधानमंत्री पद पर देखने वाला शंकर दयाल शर्मा। उसके पश्चात नाम आता है के आर नारायण। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। ये राष्ट्रपति बनने से पहले विदेशों में उच्चायुक्त रह चुके थे। उसके पश्चात नाम आता है दुनिया के महानतम व्यक्ति भारत, जिसमें जन्म डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन राष्ट्रपति और एलिवाइट राष्ट्रपति, इसके साथ साथ इसे स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति भी कहा गया है। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एलिवाइट थे, अर्थात महिलाएं पीछे नहीं से लग, कहने का मतलब क्या है कि पहली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और राष्ट्रपति का चुनाव किसके सामने लड़ा, कलाम के सामने लड़ा, पर कलाम की क्वालिटी बेहद, अतः विजयी रहे कौन, कलाम। दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, दो राष्ट्रपतियों के बारे में मैंने आपको दिवस बताए, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम के पश्चात प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिसकी बात कर रहे हैं हम आपसे,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी, महिला है, बहुत हृदय कमजोर। अर्थात सीधा सा पॉइंट बात करता हूं आपसे कि सबसे ज्यादा फांसी की सजा माफ करने का श्रेय इसी राष्ट्रपति के काल में हुआ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पश्चात प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से संबंधित रहे हैं तथा इनके कार्यकाल में सामान्यतः सर्वाधिक फांसी की सजा इन्हीं के द्वारा दी गई। और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश से हुआ था तथा ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने, क्योंकि पहले दलित राष्ट्रपति तो केआर नारायण, दूसरे राष्ट्रपति दलित के रूप में डॉक्टर रामनाथ कोविंद। ये जो रामनाथ कोविंद है ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अतः ये मैंने अभी आपसे जो चर्चा की कि कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या क्या घटना घटित हुई, विद्यार्थियों कैसा लगा आपको, तथा नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, क्योंकि मैं निरंतर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं तथा ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करें। जय हिंद।